कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बिहार से महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर ही फंसा है। बिहार में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार को लेकर दिल्ली में इंडिया की बैठक है और मुकुल वासनिक के घर मौजूद हैं तेजस्वी यादव, कांग्रेस के संगठन महामंत्री वेणुगोपाल भी मौजूद हैं और यह माना जा रहा है कि शायद इस बैठक के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो फाइनल फॉर्मूला है वो निकलकर सामने आ जाए। जैनेन्द्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है, कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो क्या कहा जाए कि ये टूट की कगार पर है कि अब यह बात बनने के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल रोहित जी, देखिए टूट जैसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है और तेजस्वी यादव अगर मुकुल वासनिक के घर पर पहुंचे हैं ये अपने आप में संकेत है कि पर्दे के पीछे बातचीत जो है वो अंतिम चरण में है और सीट शेयरिंग फार्मूले को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक चल रही है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे के बाद सभी नेता बाहर आएंगे और बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का जो फाइनल फार्मूला है, जिस पर अंदर मुहर लग रही है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जहां तक पहले चरण की बात है तो पहले चरण कि बिहार में जो सीटें हैं उनमें से एक औरंगाबाद पर कांग्रेस का दावा था शुरू में, लेकिन आरजेडी ने बिल्कुल मना कर दिया और कांग्रेस ने भी औरंगाबाद पर अपना दावा छोड़ दिया है। तो पहले चरण की जो चार सीटें हैं बिहार की, उन सब पर आरजेडी लड़ने जा रही है और लालू यादव ने बकायदा उनको सिंबल भी दे दिया अपने उम्मीदवारों को। और हालांकि वहां पर नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है बिहार में एक दिन आगे है, यानी बिहार में परसों तक का नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बिहार में पहले फेज की जो चारों सीटें हैं वो चारों पर आरजेडी के ही उम्मीदवार लड़ेंगे। औरंगाबाद पर अपना दावा कांग्रेस ने छोड़ दिया है। हालांकि औरंगाबाद की सीट जो नहीं मिली इसके इस बात को कांग्रेस जो अंदर खाने मीटिंग में उठा रही है और कटिहार पूर्णिया जैसी सीट जिस पर पेच फंसी हुई है उस पर दबाव बना रही है। हालांकि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कटिहार के लिए आरजेडी मान जाएगी लेकिन पूर्णिया पर बात इतनी आसानी से नहीं बनेगी, लेकिन जो भी है अंदर खाने मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 8 और 9 के बीच जो रस्साकशी थी वो लगभग अब अंतिम खत्म होने के कगार पर है और आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत लगभग तय हो गई है, बन गई है। कुछ देर में ही दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर के अंदर जो बैठक चल रही है, जब बैठक खत्म होगी नेता सभी बाहर निकल करके इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। बिल्कुल जैनेन्द्र, तो आप लगातार वहां पर बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तेजस्वी को दिल्ली पहुंचने की जरूरत इस वजह से पड़ी है क्योंकि पटना में कई दौर की बैठकों के बाद भी कुछ सीटों पर सुलह का रास्ता नहीं निकला। आरजेडी जहां कांग्रेस को 7 से 8 सीट का ऑफर दे रही है तो कांग्रेस की मांग 9 से 10 सीटों को लेकर है, जबकि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पेच बुरी तरह फंसा हुआ है। इन सीटों के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं जिनका जिक्र जैनेन्द्र भी कर रहे थे। इसमें पहली सीट है औरंगाबाद जहां कांग्रेस निखिल कुमार के लिए टिकट चाहती है तो आरजेडी अभय कुशवाहा को टिकट का वादा कर चुकी है। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने इस सीट से दावा छोड़ दिया है जिसका औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है। इसी तरह की एक सीट है पूर्णिया जहां से कांग्रेस पप्पू यादव को लड़ाना चाहती है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है, जबकि लालू यादव यहां से बीमा भारती को चुनाव लड़वाना चाहते हैं जो कुछ दिन पहले ही जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई है। बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। जबकि तीसरी सीट बेगूसराय है, ये सीट कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए चाहती है लेकिन आरजेडी ने सीट पर लेफ्ट के लिए छोड़कर रखा है। पिछली बार कन्हैया कुमार इसी सीट से लड़े थे, हालांकि तब वो लेफ्ट के साथ हुआ करते थे लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए। इतना तो तय है कि इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं टूटेगा और तय ये भी है कि आज रात से पहले पहले सीट का बंटवारे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सुलह का रास्ता क्या निकलता है और कौन किसकी शर्तों के आगे झुकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।